लोक आस्था का महापर्व 4 दिवसीय छठ की शुरुआत हो चुकी है। इसी को लेकर सभी लोगों के बीच काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सिवान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में लोग छठ व्रत करते हैं। इसी कड़ी में आज रघुनाथपुर विधानसभा के संथी गांव में वाल्मीकि सिंह के सौजन्य से सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच अनानास और नारियल का वितरण किया गया। इस मौके पर नितेश कुमार सिंह ने बताया कि छठ हम बिहारियों का महापर्व है और मैं और मेरा परिवार हर साल गांव के गरीब लोगों के बीच छठ पूजा की सामग्री का वितरण करते हैं। मेरे और मेरे परिवार का उद्देश्य है कि सभी लोग मान सम्मान के साथ आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाएं और खुशी से अपने घर में रहें। ये कार्यक्रम संठी पंचायत में श्री वाल्मीकि सिंह के दरवाजे पे किया गया। ये छठ व्रतियों के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया, हर साल की भांति इस बार भी किया गया। और इसमें जो गांव के गरीब लोग हैं उन लोगों को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इसके पीछे? इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसके पीछे मेरा उद्देश्य है बस गरीब लोगों का सेवा और गरीब लोगों का सम्मान, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे मन में और मेरे परिवार के मन में ये ऐसी भावना है छठ के प्रति कि छठ हम बिहारियों का महापर्व माना जाता है और हम बिहारियों छठ पूजा धूमधाम से मनाते हैं और हम लोगों का बस प्रसाद वितरण, गरीब का सेवा सत्कार आदर यही करना हम लोगों का सौभाग्यता है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि पूरे समाज मिलजुल कर छठ पर्व मनाएँ, छठ का उत्सव मनाएं और छठ पूजा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी लोग मिलजुल कर खुशहाल जीवन व्यतीत करें, सभी समाज एकजुटता अपनी संदर्भता दिखाए। यहाँ पर सामग्री है, छठी माई का प्रसाद है, नारियल है, शरीफा और नारियल है। ये हर साल की भात इस साल भी यहाँ प्रसाद का वितरण किया गया है। इसमें हम समाज सेवा करने के लिए गरीबों को प्रसाद वितरण करते हैं। आपके स्वजन से हर साल यहाँ छठ व्रतियों को सामग्री मुहैया कराई जाती है, क्या मन में भावना रहती है? मन में ही भावना, खुशी से गरीबों को देने के लिए। छठ पर्व हिंदुओं का महान पर्व है, इसलिए हम गरीबों को दान करने के लिए अपना जो है अपना ये करते हैं। छठ के मौके पे लोगों को क्या संदेश देंगे? छठ के मौके पर हम लोग यहीं लोगों को संदेश देंगे कि सब मिलजुल करके एक होकर के हम हिंदुओं का पर्व हैं, इसको धूमधाम से मनाएं और खुशहाल रहें। इस बार बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से भी प्रभावित रहे हैं, कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की खराब हो गई है, जो पूजा नहीं करने की स्थिति में, ऐसे लोगों को भी हमारी ये इच्छाएँ हैं कि इस सब फल मूल दे करके और वो लोग अपना धूमधाम से छठ पर्व करें।